हेलो स्टूडेंट्स, क्लास ऑफ अचीवर्स में आपका स्वागत है। और देखिए, आज हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन में देखिए बोलता है इफ़ कोस थीटा इज इक्वल टू 0.6, तो सो दैट 5 साइन थीटा माइनस 3 टेन थीटा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कोस थीटा जो हमें दे रखा है 0.6। तो देखिए 0.6 को लिख सकते हैं 6/10, और इसको जब सिंप्लीफाई करा तो ये आएगा 3/5। कोस जो होता है वो बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस के। तो हमने ये ट्राइंगल लिया, तो थीटा मान लिया हमारा ये, हम यहाँ पे खड़े हैं सी पोजीशन पे, यहाँ पे। तो हमारे लिए जो ट्राइंगल का बेस होगा वो ये हो जाएगा BC, और ये हाइपोटेनस जो हो जाएगा वो है AC। तो यहाँ पे हमारा जो बेस है वो है 3, और ये हाइपोटेनस जो है वो 5 यूनिट है, तो वो लगा दिया हमने यहाँ पे। अब हमें साइन और टेन चाहिए, थीटा है तो हम यहीं पे खड़े हैं, क्योंकि यहाँ पे भी साइन थीटा ही पूछ रखा और टेन थीटा पूछ रखा, इसका मतलब यहीं पे खड़े हैं। तो साइन जो होता है वो होगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस के बराबर। तो परपेंडिकुलर हमें निकालना पड़ेगा, तो इसके लिए हम इसमें लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे मैंने वैसी करी है, तो पाइथागोरस थ्योरम वही हाइपोटेनस का स्क्वायर बाकी दोनों साइडों के सम के स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ पे सोल्व करने पे जो हमारा AB आएगा वो आया हमारा 4। तो ये हमारा आ गया 4 यूनिट। तो अब हम साइन थीटा जो है वो है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर हमारा हो गया 4 और हाइपोटेनस हो गया 5। वैसे टेन जो हो जाएगा वो फिर से हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर हमारा 4 और बेस हो गया 3। तो जो अब हमें इक्वेशन दे रखी है उस इक्वेशन में हम रखेंगे साइन और टेन की वैल्यू, और उसके बाद सोल्व करेंगे। अगर 0 के बराबर आ गया तो यही हमें निकालना है। तो यही यहाँ पे भी लिखा है कि सब्स्टिट्यूट द वैल्यू इन द गिवन एक्सप्रेशन, जो हमें एक्सप्रेशन दे रखी है तो इसमें रखेंगे हम। अब देखिए जो साइन हमारा निकला है वो है, तो 5 तो यहीं पे आएगा मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा, जो कि है 4/5 माइनस 3 इंटू टेन थीटा, जो कि है 4/3। तो बराबर होना चाहिए राइट हैंड साइड के, इससे ये डिवाइड हो गया और ये भी, तो बचा हमारे पास 4-4, जो कि डिवाइड होने के बाद आएगा 0, और वो है राइट हैंड साइड के बराबर। और यही हमें इसमें प्रूव करना था। तो मुझे लगता है आपको क्वेश्चन का आंसर समझ आ गया होगा। अगर आपका अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। किसी और क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।